भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच ढाका में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया में एक बदलाव हुआ, जिसके बाद बवाल मच गया है। दरअसल पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले कुलदीप यादव को ड्रॉप कर दिया गया। उनकी जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को टीम में 12 साल बाद एंट्री मिली है। कुलदीप यादव को ड्रॉप किया गया तो इसके बाद फैंस का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि कुलदीप ने पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट लिए थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही अहम समय पर 40 रनों का बड़ा योगदान भी दिया था। इस शानदार हरफनमौला प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला। इसके बाद भी उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जिसके बाद टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल ने कहा कि कुलदीप को बाहर करना बेहद मुश्किल था, लेकिन उनादकट को जगह मिली है, ये उनके लिए बड़ी बात है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम में भी 2 बदलाव हुए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम से कुलदीप यादव को बाहर किया गया, उसके बाद तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि कुलदीप यादव जिस तरीके से 22 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, उसको देखकर यही लग रहा था कि भारतीय टीम की मुश्किलें बेहद आसान वो आने वाले वक्त में कर देंगे। हालांकि केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद पूरे देश में फैंस गुस्से में हैं और सब यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कुलदीप यादव का गुनाह क्या था, क्या उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके गलती कर दी। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय टीम कुछ इस प्रकार है, जिसमें केएल राहुल कप्तान, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ऋषभ पंत विकेटकीपर, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, जयदेव उनादकट, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज शामिल हैं। इस टीम में कुलदीप यादव को नहीं शामिल किया गया, इसी के बाद बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि कुलदीप यादव बेहद ही बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं और वो चाइना मैन गेंदबाजी करते हैं। लंबे वक्त तक विराट कोहली की कप्तानी में उन्हें नजरअंदाज किया गया और अब कुछ वही एक बार फिर उनके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल कुलदीप यादव को दूसरे टेस्ट मुकाबले में न शामिल किए जाने पर जिस तरीके से फैंस गुस्से में हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।